तो हेलो दोस्तों, रिव्यू पॉइंट के दूसरे एपिसोड में आपका खूब खूब स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन के ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। रक्षाबंधन ठीक है, तो मैंने राखी बांध ली, अगर आपने अभी तक नहीं बांधी तो भाई जल्दी से बांध लो, क्योंकि मैं अभी रिव्यू देने वाला हूँ अक्षय कुमार की सुपर हिट मूवी रक्षाबंधन का। पहली यारी तुमसे मेरी पहला। दोस्तों उसमें लीड रोल के कैरेक्टर में अपने अक्षय कुमार और भाई उनके साथ उनकी माल जिसको भूमि पेडनेकर के नाम से पहचानते हैं। तो भाई चलो रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि रक्षाबंधन के साथ साथ आमिर खान की मच अवेटेड मूवी लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई थी। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने देखा रक्षाबंधन, फिर उसके बाद देखा लाल सिंह चड्ढा। दोस्तों अगर आपने लाल सिंह चड्ढा का रिव्यू नहीं देखा होगा तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अक्षय कुमार की पिछली मूवी का रिकॉर्ड देख के अगर आप टॉकीज में जाना पसंद नहीं कर रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि यह अक्षय कुमार का कमबैक होने वाला है रक्षाबंधन के साथ, जो कि हमको उनके पुरानी बॉलीवुड मूवीज में देखने को मिला था, जैसे कि खट्टा मीठा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन। दोस्तों ऐसी मूवीज अगर अक्षय कुमार लेके आएंगे ना तो बॉलीवुड में उनकी जगह कोई नहीं छीन सकता, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों रक्षाबंधन के बारे में अगर हम बात करें तो यह स्टोरी है चार बहन, एक भाई और एक उनकी गर्लफ्रेंड जो रहती है, जो बचपन से उनके साथ प्यार करते हैं, उनके साथ शादी करना चाहती है। वे यार हमारे पास भी वैसी रहती तो कितना अच्छा होता, लेकिन वो पिक्चर में हो सकता है, रियल में भाई ऐसा कुछ नहीं होता है रियल में, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब वाला मिल गया तो भाई फुर हो जाती है। दोस्तों अगर मैं इस मूवी का एक लाइन में रिव्यू करूँ तो दिस इज द सुपर हिट मूवी ऑफ अक्षय कुमार इन 2022। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप 2 घंटा फ्री है तो आप जरूर जाइए यह मूवी देखने। दोस्तों इस मूवी में दहेज वाले मुद्दे को और एक बार उठाया गया है और इसमें चार बहन और एक भाई की ऐसी लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि देख के आपको शायद आंख में आंसू आ सकते हैं। दोस्तों इंटरवल के बाद जो एक सीन है यार, लिटरली यार वो देखता हूँ ना तो यार मेरे आँख से आंसू निकल गए थे, आप भी देखोगे तो आपके भी आँख से आंसू निकल जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। दोस्तों काफ़ी दिनों बाद ऐसी मूवी आई है जिसे हम फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सोशल मैसेज और भाई बहनों का प्यार दिखाया गया है। तो दोस्तों इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है, अगर आपके पास टाइम होगा तो भाई प्लीज़ आप यह मूवी देखने जा सकते हैं, फिर बाद में ना बोलना कि भाई बॉलीवुड पूरा ख़त्म हो गया है, उसमें मूवी देखने लायक कुछ भी नहीं है। दोस्तों मैं इस मूवी के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, क्योंकि यह 2 घंटे की मूवी है, अगर 2 घंटे की मूवी में भी मैं आपको कुछ सीन्स बता दूँ तो यार मज़ा नहीं आएंगे देखने में, आप जाइए 2 घंटा और इन्जॉय कीजिए फैमिली के साथ। तो मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 5 स्टार। दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आधा हिस्सा।